अस्सलाम वालेकुम। साइमा किचन में आप सबको वेलकम करती हूँ। आज मैं चिकन मंडी बना रही हूँ। ये 1 किलो चिकन है, जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये मिक्स मसाला है, ये फूड कलर सॉल्ट है, ये धनिया पाउडर, ये गरम मसाला, ये जावित्री, जायफल, काली मिर्ची, लौंग, सिनेमन स्टिक का सब मिक्स पाउडर बनाकर रखे हूँ, ये पाउडर, ये चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, आपके टेस्ट के हिसाब से चिली पाउडर डालें। ये एक नींबू का जूस है। एक स्पून घी ऐड करते हैं। इसे मिक्स करके उसमें सब मसाले इसमें लगाएं। अच्छा, इसके अंदर तक ये स्वीट बनाती है, स्वीट मंडी, मगर मैं स्वीट नहीं, मंडी स्वीट्स रहते, इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करती, मैं ड्राई फ्रूट्स नहीं ऐड करती क्योंकि बच्चे नहीं खाते, इसलिए मैं खाली चिकन और लगा कर हूँ। अब इसे 2 आवर तक रेस्ट करेंगे, या एक नाइट भी रख सकते हैं, मेरे 2 आवर के बाद बनाना है, इसलिए 2 आवर रेस्ट करा रही हूँ। एक कैप्सिकम है, 1 से 3 टमाटर हैं, 2 प्याज हैं, ये धनिया पाउडर, ये मंडी मसाला है मंडी का, एक जायफ़री, जायफल, 2 बड़ी इलायची है, ये थोड़ा गरम मसाला है, ये हल्दी पाउडर है। मैं 1 स्पून घी ऐड कर रही हूँ। ऑयल ऐड कर रही हूँ, अपने टेस्ट के अनुसार ऑयल ऐड करें। अब इसमें अनियन ऐड कर रही हूँ, ब्राउन होने तक इसे मिक्स करेंगे, लाएंगे। दो से तीन टमाटर, इसमें जो मसाला है धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला और ये मंडी मसाला डाल रहे हैं। ये मतलब मसाला बनाकर बड़ी इलायची, जायफल, जावित्री और धनिया सब मिक्स करके बनाते हैं। ये मैं खाली गरम मसाले मिलाकर बनाई थी, और धनिया पाउडर सेपरेट से ऐड करी हूँ। 1/2 स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर रही हूँ। इसमें 1 कैप्सिकम ऐड कर रही हूँ। ये सब मिक्स करके थोड़ा सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। पक चुका है, इसमें वाटर ऐड कर रही हूँ। नहीं, कप का हिसाब नहीं बोलती क्योंकि मुझे जजमेंट है, इसलिए मैं 700 ग्राम चावल के राइस के लिए इतना पानी लगता मैं ऐड करी हूँ। अब गिलास का हिसाब से बनाएंगे तो 2 गिलास पानी चावल के लिए 4 गिलास पानी ऐड करें। अब इसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, अपने टेस्ट के अनुसार सॉल्ट ऐड करें। इसे ढककर 10 मिनट तक पकने दें। अब ये पक रहा है, इसमें 2 लेमन के पीस ऐड कर रही हूँ। अब इसमें राइस ऐड कर रही हूँ।
ये बासमती राइस है, बासमती राइस का बना रही हूँ मैं। मंडी बासमती राइस नहीं, बड़ी अच्छी होती है, खिले खिले राइस चावल बनते हैं। मिक्स करके इसे पकने देते हैं। डन हो चुका है राइस, मंडी राइस। अब इसे ये प्रोसेस ख़त्म हो चुका है, अब नेक्स्ट प्रोसेस चिकन फ्राई करने का है। इसमें एक स्पून घी डाल चुकी हूँ। घी डालने के बाद अब इसमें ऑयल ऐड करूँगी। इसमें चिकन डाल रहे हैं। ये डन हो चुका है, चिकन पक्कर है। अब इसे निकाल रही हूँ। राइस बनकर तैयार है, चिकन का भी हो गया है। अब राइस डन हो चुका है, मंडी राइस, चिकन डन हो चुका है। अब इसे चटनी की ज़रूरत है। मैं 4 टमाटर लेकर हूँ चटनी बनाने के लिए, और 10 से 12 लहसुन कलियाँ लेकर हूँ मैं, और इसमें टेस्ट के अनुसार साल्ट डालकर मैं चटनी बना रही हूँ, ग्राइंड कर रही हूँ। अभी पीस कर हूँ, ग्राइंड करके अब इसमें थोड़ा घी ऐड कर रही हूँ, थोड़ा आयल ऐड कर रही हूँ। ये पेपर पाउडर है, हल्दी पाउडर, चिली पाउडर, आपके टेस्ट के हिसाब से चिली पाउडर ऐड करें। सॉल्ट ऐड करके हूँ। अब ये टमाटो पेस्ट जो बनाई हूँ टमा चटनी का, अब इसमें चिल्ली पाउडर और गरम मसाला ये सब, हल्दी पाउडर सब ऐड करी हूँ। अभी टमाटो का प्यूरी डाल रही हूँ। इस तरह से चटनी बनाकर देखें, बहुत टेस्टी आएगी ये मंदी बिरयानी को। बिरयानी को टक्कर देगी ये। मिक्स करके थोड़ा पकने दें। अब इसमें एक चुटकी चाट मसाला ऐड कर लें। थोड़ा चाट मसाला ऐड कर रही हूँ, और थोड़ा लेमन का जूस ऐड कर रही हूँ। अभी चटनी रेडी है, अब डिश आउट के लिए तैयार है। अब डिश आउट करूँगी। ये रेसिपी डन हो चुकी है, डिश आउट कर चुकी हूँ। इस तरह से बनाकर देखिए, बहुत टेस्टी होगा ये रेसिपी। अच्छी है लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।